हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथिरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदु फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर
पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज मेकर आप लोगों को यहां पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। सन NXT पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर इंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में,
में, एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली
काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सहजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग ईजिली अपने घरों में
बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहां पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथिरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें
कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहां पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। सन NXT पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भासी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है
जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में, एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है, एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली
काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज
आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदु फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग ईजिली अपने घरों में
बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.9/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें
कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज मेकर आप लोगों को यहां पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। सन NXT पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर इंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा,
कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या,
एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी। यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सहजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है
कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है।
प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। सन NXT पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथिरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी
कि इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। Sun NXT पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भासी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ
यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में, एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है,
हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भासी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में, एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदु फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है।
प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। सन NXT पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदु फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है
वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। Sun NXT पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर इंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को
कुन चाकू बोबन, शरफ शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भासी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में, एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।
एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सहजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथिरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर
पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहां पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। सन NXT पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को
एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को
कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भासी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में, एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में।
तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में, एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी सन NXT पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथिरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथिरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदु फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है। तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर
पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। सन NXT पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अंजाम पथीरा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं जी साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर अंजाम पथीरा के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में क्राइम देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को कुंचाकू बोबन, शरफुद्दीन, उसी के साथ साथ श्रीनाथ भसी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो यहाँ पर मिथुन मैनुअल थॉमस ने यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि क्या इन्होंने पहले कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। तो जी हाँ, इन्होंने आदु फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को यहाँ पर उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अलमारा, कोतियाम, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट की गई हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है एंड अभी इसे फाइनली कहाँ पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस मूवी को जो है वो बनाया गया है जी मलयालम लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को देखने को अवेलेबल है जी। इजीली आप लोग अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी, आप लोग जाइएगा और जाकर इस मूवी को यहाँ पर देख पाएंगे सन NXT पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ
यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो इस मूवी की यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी यहाँ पर 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट, जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की यहाँ पर जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.9 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 96% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो यहाँ पर मिथुन ने ही इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर आशिक उस्मान आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में आप लोगों को यहाँ पर शीजू खालिद देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी को संभाला। एडिटिंग की यहाँ पर हम बात करते चलो तो यहाँ पर आप लोगों को सैजू इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुशीन श्याम आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को आशिक उस्मान प्रोडक्शंस और उसी के साथ साथ मैनुअल मूवीज़ मेकर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को सेंट्रल पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी जो है वो 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे जी। Sun NXT पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग इजीली जाइए और जाकर इस मूवी को लाजमी से वहाँ पर एंजॉय की